वेलकम टू माई चैनल माई डियर स्टूडेंट्स एंड माई डियर फ्रेंड्स. टुडे आवर टॉपिक इज ए पोएम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ए वर्ल्ड फेमस पोइट, एंड द नेम ऑफ द पोएम इज उपगुप्त. प्यारे बच्चों, तुहानू ये पता होएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर विश्व प्रसिद्ध कवि हैं. उन्होंने विश्व प्रसिद्ध इनाम अवार्ड नोबल प्राइज़ के नाल सन्मानित किया गया सी. यह पहले कवि सन, हिंदुस्तानी पहले कवि सन और एशिया के पहले कवि सन जिन्होंने कि इस सम्मान के नाल सन्मानित किया गया. प्यारे बच्चों, बंगला भाषा च लिखन वाले सन. दो देशों के नैशनल एंथम इन्होंने लिखे ने. एक तो साढ़े अपने देश हिंदुस्तान का नैशनल एंथम जन गण मन, जिहड़ा तुसी सवेरे अपने स्कूल दे विच असेंबली दे विच गांदे हो, वो इन्हां द्वारा ही रचित है. दूसरा है बंगलादेश का नैशनल एंथम. सो तुसी इस तो ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो किस पद्धर दे कवि सन. उन्हां द्वारा रचित कविता उपगुप्त अज असी पढ़न जा रहे हैं. प्यारे बच्चों, साधु संत महात्मा कौन होंदा है, तुहाडे विचार अनुसार कौन होंदा है? प्यारे बच्चों, साधु संत महात्मा असी उसनू ही कह सकते हैं जिहड़े कि दुखी आत्मा, दुखी लोकां दे कम आन, उन्हां दी सेवा करन, उन्हां दे दुखां नू अपना दुख समझन, अते इस समाज तो घट लैन. उन्हां दी इच्छा ये ना भी समाज सानू ये कुछ दे दे, उस इंसान नू, उस दिव आत्मा नू असी संत कह सकते हैं, महात्मा कह सकते हैं. इस कविता दे विच भी गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बोध भिक्षुक दी कहानी दसी है जिहड़ा कि मानवता दे भले लई उपराले करदा है. उपगुप्त बच्चो एक जवान भिक्षुक सी, अते ओहो जिथे जदों एक कविता शुरू हुंदी है मथुरा दे जिहड़ा है एक गली दे विच ओहो सो रहा सी, आराम कर रहा सी, रात दा समा सी. हुण आपां एक कविता नूं पढ़ांगे ते तुसी देखना कि बुद्ध धर्म दे विच जिहड़े भिक्षुक होए ने उन्हां दा करैक्टर, उन्हां दा किरदार किन्ना बुलंद सी. हेयर इज़ द पोएम. आई विल रीड इट फॉर यू लाइन बाय लाइन एंड आई विल एक्सप्लेन इट. उपगुप्त द डिसाइपल ऑफ बुद्ध लई असलीप इन द डस्ट by the city wall of Mathura. प्यारे बच्चों, disciple दा शब्द हुंदा चेला, शिष्य, बुद्ध दा शिष्य उपगुप्त मथुरा शहर दी दीवार दे कोल सो रहा सी, ले असलीप सो रहा सी. इन द डस्ट, जमीन ते जिते रेत है, मिट्टी है, उत्थे सो रहा सी. बिछौना की सगा उसका बचियो, धरती माँ ही सी, कोई अच्छा बिछौना नहीं सगा. इट शोज द सिंपल लाइफ ऑफ द डिसाइपल ऑफ बुद्ध. बुद्ध दे भिक्षुआं दे भिक्षुआं दी जिहड़ी सगी सिंपल लाइफ दे बारे च ए लाइन जिहड़ी है चानना पाउंदी है. लैम्प्स वर ऑल आउट, doors were all shut, and stars were all hidden by murky sky of August. रात दा समय है, लालटेन जल रही ने, ठीक है, लालटेन जड़ियाँ सी ओ भी बुझा दितियां गई सन. ये समय बहुत पुराना सेगा, बल्ब नहीं बच्चे होंदे सेगे, लाइट नहीं हुंदी सी, ते लालटेन जगाईयां जांदियां सी रोशनी दे नाल, ते रोशनी दे वास्ते ते
ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੈਂਪਸ ਵਰ ਆਲ ਆਊਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡੋਰਸ ਵਰ ਆਲ ਸ਼ਟ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਐਂਡ ਸਟਾਰਸ ਵਰ ਆਲ ਹਿਡਨ ਬਾਏ ਮਰਕੀ ਸਕਾਈ ਆਫ ਔਗਸਟ। ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਬੱਦਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਾਰਸ ਵਰ ਆਲ ਹਿਡਨ, ਆਕਾਸ਼ ਸਿਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ 'ਤੇ ਅਵਸ਼ ਹੀ ਬੱਦਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਭਿਕਸ਼ੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਹਿਮ, ਹੂਜ ਫੀਟ ਵਾ ਦੋਜ ਟਿੰਕਲਿੰਗ ਵਿਦ ਐਂਕਲੈਟਸ ਟਚਿੰਗ ਹਿਜ ਬ੍ਰੈਸਟ ਆਫ ਅ ਸਡਨ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ, ਅਚਾਨਕ ਭਿੱਖੂ ਨੂੰ ਪਜੇਬਾਂ ਦੇ ਛਨਛਨਾਹਟ ਦੀ, ਖਨਖਨਾਹਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਟਿੰਕਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼, ਛਨਛਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਖਨਖਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਖਨਖਨਾਹਟ ਛਨਛਨਾਹਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ। ਐਂਕਲੈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਜੇਬ, ਔਰਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਟਚਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਬ੍ਰੈਸਟ ਆਫ ਅ ਸਡਨ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹ ਪਾਜੇਬ, ਉਹ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਔਰਤ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਗਿਆ, ਛੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਚਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਬ੍ਰੈਸਟ ਆਫ ਅ ਸਡਨ, ਹੀ ਵੋਕ ਅਪ ਸਟਾਰਟਲ, ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਅ ਲਾਈਟ ਫਰੋਮ ਅ ਵੋਮੈਨਸ ਲੈਂਪ ਫੈਲ ਔਨ ਹਿਸ ਫੋਰਗਿਵਿੰਗ ਆਈਸ। ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਲਟਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਉਸਦੀ ਦਿਆਸ਼ੀਲ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪਈਆਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫੋਰਗਿਵਿੰਗ ਆਈਸ, ਦਿਆਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਆ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਿੱਖੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਆ ਨਾਲ ਪੱਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦਿਆ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਡਾਂਸਿੰਗ ਗਰਲ, ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ, ਨਰਤਕੀ ਸੀ, ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਔਰ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਸਟਾਰਡ ਵਿਦ ਜਲਸ, ਜੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੇਅਰਿੰਗ ਏ ਪੇਲ ਬਲੂ ਮੈਂਟਲ, ਡਰੰਕ ਦ ਵਾਈਨ ਆਫ ਅਰ ਯੂਥ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਬਲੂ ਨੀਲਾ ਰੰਗ, ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੁੰਨੀ। ਡਰੰਕ ਵਿਦ ਦ ਵਾਈਨ ਆਫ ਅਰ ਯੂਥ, ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੋਬਨ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਡਰੰਕ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਰੰਕ ਵਿਦ ਵਾਈਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਕੌਣ ਸੀ, ਨਰਤਕੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਵਟ ਸ਼ੀ ਸੈਡ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਲੋਅਰਡ ਹਰ ਲੈਂਪ ਐਂਡ ਸਾ ਯੰਗ ਫੇਸ, ਔਸਟਰਲ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਸ਼ੀ ਲੋਅਰਡ ਹਰ ਲੈਂਪ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਲੈਂਪ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ਮਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਓ, ਰੂਹਾਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਫੋਰਗਿਵ ਮੀ ਯੰਗ ਅਸਕੈਟਿਕ, ਸੈਡ ਦ ਵੁਮਨ, ਗ੍ਰੇਸੀਅਸਲੀ ਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਹਾਊਸ, ਦ ਡਸਟ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫਿਟ ਬੈੱਡ ਫੋਰ ਯੂ।
माफ करना नौजवान भिखु सन्यासी एस्केटिक कहने सन्यासी नू सेड द वूमेन औरत ने कहा ग्रेसियसली कम टू माई हाउस कृपा करके मेरे घर आओ ग्रेसियसली मीन बड़े मान सत्कार दे नाल कृपा करके मेरे को मेरे घर आओ रात नू रहन दा उसनू सद्दा दिता द डस्ट अर्थ इज नॉट ए फिट बेड फॉर यू ये मिट्टी दा बिछाना ये तरत जिहड़ी है तुहाडे लई योग बिछाना नहीं है नॉट ए फिट बेड फॉर यू द यंग एस्केटिक आंसर्ड वूमेन गो टू योर वे की कहिंदा है द यंग एस्केटिक सैड यंग एस्केटिक ने कहा गो ऑन योर वे अपने रस्ते ते चले जाओ वेन द टाइम इज राइप आई विल कम टू यू वेन द टाइम इज राइप जो उचित समा आएगा मैं तेरे को आ जावगा राइप का मतलब हों बच्चे उचित ढुकवा समा सडनली द ब्लैक नाइट शोड इट्स टीथ इन फ्लैश ऑफ लाइटिंग अचानक की होया कि आकाश विचों बिजली चमकी ब्लैक नाइट से पहले भी मैं तुहानू दस चुका सी कि रात जिहड़ी सीगी उस च तारे नहीं सीगे बदल ने तो हुण फिर दस्या गया है कि ब्लैक नाइट शोड इट्स टीथ अपने दंद दिखाए मतलब जदों बिजली चमकती है तो चिट्टे चिट्टे रंग की एक रोशनी हुंदी है ओ कवि ने दंदा का वर्णन किया उसने इन ए फ्लैश ऑफ लाइटनिंग द स्टॉर्म ग्राउल्ड फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द स्काई और एक तूफान जिहा आया आकाश के विचों जिहड़ा कि गुर्रा रहा सगा हाँ गरज रहा सगा ग्राउल्ड वैसे कहने जानवर के गुर्रान नू इत्थे इन्हें जिहड़ा है स्टॉम मैंने तूफान जड़ा सगा बिजली चमक रही सी दा मतलब रात एक भयानक सी प्यारे बच्चों ऐसी रात दे विच जेकर कोई तुहानू तुसी कल्ले सुते पए होवो ठीक है ते उत्ते बियाबान इलाका है कोई खूबसूरत औरत जेकर तुहानू कहे कि आओ मेरे घर रहो मेरे कोल रात ठहरो तुसी हाँ जी तुहानू पता होवे भी वह औरत भी जिहड़ी एक नर्तकी है तो तुसी की करोगे ये एक प्रश्न है जिहड़ा उठता है साढ़े मन दे विच कि वट विल बी आवर एक्शन एट द टाइम ये सोचना बच्चो इस दे बारे च ते ये साढ़ा भिखू की करता है यंग एस्केटिक उपगुप्त वह भी अगे आप पढ़ांगे द वूमेन ट्रैम्बल्ड इन फीयर ऑफ सम अननोन डेंजर औरत डर गई किसे अनपछाते खतरे दे नाल औरत डर गई ट्रैम्बल्ड मीन कंब जाना इन फीयर डर दे नाल द ब्रांचेज ऑफ द वेज साइड ट्रीज वर फुल ऑफ ब्लॉसम दरख्तों दियाँ शाखावां पूरे जोर दे नाल जोबन दे नाल परियां हुई सन और लह इधर उधर लहला रही सन द ब्रांचेज ऑफ द वेज साइड ट्रीज वर फुल ऑफ ब्लॉसम Gay notes of flute came floating in the warm spring air from afar. दूरों खुशी परे हुए संगीत दे तान गर्म स्प्रिंग दे मौसम च बसंत दे मौसम च आ रही सी गे मैंने खुशी नाल भरपूर फ्लूट करने बच्चों बांसुरी दी आवाज़ फ्लूट किनू कहने बांसरी खेम फ्लोटिंग तैरती हुई आ रही सी इन द वॉर्म स्प्रिंग एयर फ्रॉम अफार द स्टीजन हैड गॉन टू द विंड सॉरी द स्टीजन हैड गॉन टू द वुड फॉर द प्यारे बच्चों कविता का दूसरा भाग शुरू होता है स्प्रिंग सीजन तो The storm
growled from the corner of the sky, and the woman trembled in fear of some unknown danger. Some unknown danger तक first part है साड़ी poem दा, second part की है, इस वेले बसंत दा मौसम है, हर पासे जड़े ने खेड़े ने दरख्तां ते पौद्यां ते फुल खिले हुए ने, खुशी भरा संगीत है, ते वी विल रीड इट द सेकंड पार्ट ऑफ द पोइम. द ब्रांचेस ऑफ द वे साइड ट्रीज वर फुल ऑफ ब्लॉसम, गे नोट्स ऑफ ए फ्लूट केम फ्लोटिंग इन द वार्म स्प्रिंग एयर फ्रॉम अफार. की है कि द ब्रांचेस ऑफ वे साइड ट्रीज, रस्ते ते लगे हुए दरख्तां दियां शाखावां पूरी तरीके दे नाल फुल्लां नाल भरियां होईयां सन, जौबंत सन और लहरा रहियां सन. गे नोट्स ऑफ ए फ्लूट केम फ्लोटिंग इन द वार्म स्प्रिंग एयर फ्रॉम अफार. और बसंत दे गर्म मौसम दे विच, बसंत च थोड़ी जी गर्मी हो जाती है, सर्दी नहीं होती, हवा दी विच संगीत फैल रहा सी, खुशी भरिया संगीत फैल रहा सी. गे नोट्स खुशी भरिया, फ्लूट कहने हैं बांसुरी ने, बांसुरी दा संगीत सी. हुन जिहड़ा है वातावरण जिहड़ा है संगीतमय है. द स्टीजन हैड गोन टू द वुड फॉर द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स. शहर दे लोग, मथुरा दे लोग जंगल विच गए हुए सन फुल्लां दा त्यौहार मनाने लई. वुड्स दा मतलब जंगल हुंदे ने, ठीक है, ते वसंत दा मौसम है. फ्रॉम द मिड स्काई गेज द फुल मून ऑन द शैडो ऑफ अ साइलेंट टाउन. मिड स्काई इहदा मतलब अद्धी रात दा वक्त है, चन्न जिहड़ा पूरा चढ़िया होया है. गेज द फुल मून, फुल मैंने पूरा चंद्रमा, हाँ जी, ऑन द शैडो ऑफ द साइलेंट टाउन. और शहर दे विच की है, एक तो चुप्पी है, दूसरा है कि हनेरा है. शैडोज मतलब रात का वक्त है, ठीक है. तो द यंग एस्केटिक वॉज वॉकिंग इन द लोनली स्ट्रीट. हुन तुहानू दस्या गया है कि एक नौजवान सन्यासी गलियां दे विच जा रहा है, रात का समय, अद्धी रात का समय है, ठीक है. और सुन्नम सुन्ना गलियां दे विच सिर्फ एक ही शख्स है, और वो कौन है? नौजवान सन्यासी. वाइल ओवरहर्ड द लव सिक कोइल अटर्ड फ्रॉम द मैंगो ब्रांचेस देयर स्लीपलेस एंट. उस वातावरण दे विच कोयल दी कूक जड़ी है, कोयल पक्षी जड़ा है तुहानू पता है बहुत ही मिठा गांदा है, उस दी कूक सुनाई दे रही है. बच्चे स्प्रिंग दे विच बसंत च पक्षी जड़े ने, पंछी खासकर कोयल जड़ी है, उसकी आवाज़ सुनी जा सकती है. ओवरहेड मैंने सुनी जा सकती सी. लव सिक प्रेम दे बिछोड़े दे विच कोयल गीत गा रही है. और गा कित्थे रही है? मैंगो ब्रांचेस अंब दे दरख्तां दे विच, देयर स्लीपलेस प्लांट. निरंतर गीत गा रही है और रात सारी रात गाँदी है बिना सोए हुए, ठीक है. तो यह कवि ने चित्रण किया है बसंत दी बहार दा, और शहर दे विच एक जड़ा है नौजवान पिखू जड़ा है उसका. उपगुप्त पास्ट थ्रू द सिटी गेट्स एंड स्टूड एट द बेस ऑफ रैमपार्ट. उपगुप्त शहर दे गेट दे विचों दी अंदर प्रवेश किया, और नगर दे
चार दुआरी तो एक दीवार बनी हुई है जिन्हों रैमपार्ट कहना है। रैमपार्ट ते खड़ा हो गया किले की चार दीवारी होंगी है या पहले नगर दे भाई चोर डाकू वगैरह ना आ जाने तो नगर के आले दुआले दीवार कर दिती जाते उत्थे खड़ा है। वॉज दैट ए वोमेन लेइंग एट हिज फीट इन द शैडो ऑफ द मैंगो ग्रोव। ग्रोव कहने जिते बहुत ज़्यादा दरख्त हो अंबा के संघने दरख्तों के छां थले एक औरत लम्मे पई हुई सी। वॉज दैट ए वोमेन लेइंग एट हिज फीट उसके पैर से लम्मे पे हुए और औरत दे हालात किस तरह के सी इस वेले पहले तुसी देखिया सी औरत एक जिहड़ी उन्हां नूं मिली सीगी नचण वाली नर्तकी ओहो ते जोबन ठाठा मारदा सीगा ओहो हीरियां दे नाल सजी संवरी होई सीगी। ठीक है हुण किस तरह की औरत है स्ट्रक विद ब्लैक पेस्टिलेंस हर बॉडी स्पॉटेड विद सोल्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। ठीक है शी हैड बीन हरडली रिमूव्ड फ्रॉम द टाउन टू अवॉइड हर पॉइजनस कॉन्टेंजियन। यह औरत एक बेइलाज बीमारी के नाल पीड़ित सी उसके शरीर से जख्मों के निशान सन और किस जख्मों के निशान सन फोड़े फिंसियों के निशान सन समॉल पॉक्स। समॉल पॉक्स बच्चे चेचक नूं कहिंदे आ और उसनों शहर के विचों कढ दिता गया सी ताकि उस दी बीमारी दूजियां नूं ना लग जाए। आई एम रीडिंग इट अगेन फॉर यू दीज फोर लाइन्स स्ट्रक विद ब्लैक पेस्टिलेंस। ब्लैक पेस्टिलेंस बेइलाज बीमारी स्टक मीन्स उसनों लग गई सी। हर बॉडी स्पॉटेड विद सोर्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। सोर्स कहने जख्म निशान। ठीक है स्मॉल पॉक्स चेचक नूं कहने बहुत नामुराद बीमारी सी उस समय उसका कोई इलाज नहीं सी। शी हैड बीन हरिडली रिमूव्ड फ्रॉम द टाउन उसनों रिमूव कर दिता गया बाहर कट दिता गया शहर तो टू अवॉइड हर पॉइजनस कॉन्टेजियन। कॉन्टेजियन मीनस जो एक बीमारी दूजे नूं लग जाती है संक्रमित हो जाती है बीमारी। पॉइजनस मीनस विषैली। द एस्केटिक साइट बाय हर साइट लुक हर टुक हर हैड ऑन हिज नीज। सन्यासी उसके नज़दीक बैठ गया उसके सिर नूं अपने गोद विच ले लिया एंड मॉइस्टन्ड हर लिप्स विद वाटर उसनू पानी पिलाया। वह बेहोश सी उसके होठा नू गिला किता पानी दे नाल मतलब पानी पिलाया एंड स्मीयर्ड हर बॉडी विद सैंडल बाम और उसके शरीर ते जिथे जिथे जख्म सन उथे मलम दा लेप किया। ते हुन औरत पुछदी है हू आर यू मर्सीफुल वन आस्क द वोमैन। औरत ने पुछया कि तुसी कौन हो दयाशील व्यक्ति। ते कवि जड़ा है एस्केटिक सिर्फ इको गल कहिंदा है द टाइम एट लास्ट हैज़ कम टू यू। वो समा आ गया है अंत विचो समा आ गया है आड़े एंड आम हेयर रिप्लाइड द यंग स्कैटिक। यंग स्कैटिक ने कहा कि वो समा आ गया है पहले उसने कहा सी ना आई विल कम टू यू वेन द टाइम विल बी राइपंड। राइप टाइम ते सही टाइम ते उचित टाइम ते मैं तेरे को आवांगा। अज तेनों मेरी जरूरत है मैं तेरे को तेरी सेवा दे विच हाजर हो गया हाँ और तेनों किसी चीज़ की चिंता की लोड़ नहीं है। सो बच्चो ये सी कविता उपगुप्त दी महात्मा बुद्ध दे चेले दी एक यंग अस्केटिक दी एक नौजवान सन्यासी दी जिहड़ी कि सानू जीवन दे विच एक बहुत वड्डी सेध दिंदी है। बच्चो इस कविता नू पढ़न तो बाद
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਉਪਗੁਪਤ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ, ਉਚੇਰੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ।